जनाब टीवी में आप सबका खैर मकदम है। आइए डालते हैं दिन भर की खबरों पर एक नजर। जिला डोडा के शमाल मशरकी इलाका पंचायत कोटी में पीने के साफ पानी की अदम दस्तियाबी और महकमा की बाला दस्ती के खिलाफ लोगों ने नायब सरपंच की क्यादत में महकमा सेहत आमा जल शक्ति और जिला इंतजामिया डोडा के खिलाफ नाराजगी का इजहार करते हुए एहतजाज किया। एहतजाजी मुजाहरी ने महकमा PHE मुर्ताबाद के नारे लगाए और आवाम के साथ इम्तियाजी सलूक का इल्ज़ाम भी आयद किया। एहतजाज कर रहे कोटी के नायब सरपंच ने बताया कि वो तंग आकर सड़कों पर एहतजाज के लिए मजबूर हुए हैं। लोगों को महकमा ने पानी की सहूलियात फराहम करने के बजाय मसलसल हरासा करने का सिलसिला जारी रखा है, जिसको किसी भी कीमत पर कबूल नहीं किया जा सकता। एक तरफ मरकजी हकूमत ये दावा कर रही है कि हर घर नल से जल, लेकिन गरीब आवाम को नल से जल देने के लिए GR काटने पर मसलसल दबाव बनाया जा रहा है। अब नौबत यहाँ तक आन पड़ी है कि कदीमी पाइपलाइन को भी उखाड़ लिया गया और जो निजी पाइपलाइन लोगों ने नालों से पानी के लिए नस्ब की है उस पर भी एतराज़ किया जा रहा है। ये कौन सा कानून और कहां का इंसाफ है? एक तरफ लोग पानी की बूंद बूंद के लिए मोहताज हैं, लेकिन पानी फराहम करने वाला महकमा ही पानी फराहम करने के बजाय पानी को बंद कर रहा है। एक और मकामी बाशिंदे ने बताया कि महकमा के मुलाजमीन जो कहते हैं आज उनको लगा कि वो ठीक कहते हैं। किसी एक अफसर का नाम बताए बगैर उन्होंने बताया कि जब भी वो अपने हक के लिए एहतजाज करते हैं तो उनको ये बताया जाता है कि आप जहां जाओ उनकी पहुंच हर जगह है। गरीब आवाम के साथ इम्तियाजी सलूक से वो बहुत अफसरदा हो गए हैं। उन्होंने मजीद बताया कि महकमा के लोग उनका नुकसान कर रहे हैं। बदी वजह अगर ऐसे अमल के दौरान कुछ हंगामा बरपा होगा तो जिला इंतजामिया डोडा इसकी जिम्मेदार होगी। कर रहे हैं कि हम कोटी में डिप्टी भी दिला रहे हैं मुलाजमों को और पानी भी पिला रहे हैं, लेकिन ऐसा कोटी में कुछ नहीं है। कोटी में लोगों ने अपनी पाइपें लाकर, किसी ने कोई किसी लीडर से लाई, किसी और बंदे से लाई, किसी के पास अपनी खरीद करके लाई है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है कि PHE डिपार्टमेंट ने आज तक कोई लोगों की सेवा ऐसी कुछ भी नहीं की है। तो इसलिए गवर्नर साहब से भी मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि गवर्नर साहब आपने 2 हफ्तों का टाइम दिया था 30 तारीख को, आज 2 हफ्तों से ज्यादा टाइम हो गया, आपने पानी पिलाने का भी ऑर्डर किया था और इंक्वायरी का भी ऑर्डर किया था, लेकिन उन 2 चीजों में से अभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मुझे लगता है कि जैसा PHE डिपार्टमेंट वाले मुझे कहते थे कोई दूसरे एक्शन बोलते थे कि हमारी पहुंच कमिश्नरों तक है, और मुझे समझ आ रही है कि वाकई उनकी पहुंच कमिश्नर तक है या किसी और एजेंसी के। आप जाके GR काटो और उसके बरकस भी इन लोगों ने यहाँ पे आके एक तोड़फोड़ मचाई, लोग कुछ मचाई है, जिसमें कि लोगों ने अपनी पाइपें यहाँ पे लाई थी और घरों में लगाई थी, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट को सेंक्शन नहीं है या लोगों को फैसिलिटी है ही नहीं। इसके बरकस भी PHE वालों ने यहाँ पे आके लोगों का काफी नुकसान किया है, और आज हमने यहाँ पे नायब सरपंच यहाँ पे इसलिए लोगों को बुलाया था कि लोगों ने हमारे पास बहुत बड़ी शिकायतें की हैं। हमने घरों में जाके देखा, वहाँ पे जाके देखा है, बहुत बड़ा नुकसान किया है PHE वालों ने। लिहाजा हमने एडमिनिस्ट्रेशन को हम ये गुजारिश करते हैं कि कल को अगर कोई पंगा यहाँ पे होगा, किसी भी किस्म का कोई नुकसान होगा, तो उसकी जाति जिम्मेदारी जो होगी वो एडमिनिस्ट्रेशन डोडा की। जिला डोडा की तहसील कास्तीगढ़ में डिग्री कॉलेज के तामीर के लिए सड़क का काम शुरू होने से मकामी लोगों ने खुशी का इजहार करते हुए मकामी सरपंच का शुक्रिया अदा किया है। कथड़ीता कांटोई कास्तीगढ़ सड़क का इफ्तिताह सरपंच कास्तीगढ़ बी कुतुबद्दीन खान ने किया। इस मौके पर सरपंच कोटली रुमाल सिंह, सरपंच गुलाम हसन के अलावा इलाका के मौजूदीन भी मौजूद थे। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए सरपंच कुतुबद्दीन खान ने बताया कि वो डिग्री कॉलेज की तामीर के लिए बेचैन है, लेकिन वहाँ मशीनरी और मटेरियल पहुँचाने के लिए सड़क की जरूरत है। मजकूरा सड़क पर काफी अरसा के बाद काम शुरू कर दिया गया, इसके लिए वो मकामी लोगों बिलखसूस जमीन मालकान का शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्हें अपनी मालकतिया राजी में इलाका की तामीर और तरक्की और अपने मुस्तकबिल को ताबनाक बनाने के लिए कुर्बानी दी है। इसके लिए उनके बेहद मशकूर है। यह कास्तीगढ़ के अवाम की काविशों का सिला है कि डिग्री कॉलेज के लिए सड़क का इफ्तिताह हो गया, और उम्मीद जाहिर की कि इनकरीब सड़क की तामीर मुकम्मल होने के फौरन बाद कॉलेज की इमारतों की भी तामीर शुरू हो जाएगी। उन्होंने बताया कि यह सड़क करीब 20,000 आबादी को तहसील सदर मकाम कास्तीगढ़ से जोड़ने का काम करेगी, और कॉलेज व हायर सेकेंडरी और दिगर स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को स्कूल जाने में भी आसानी होगी और मकामी सतह पर रोजगार के मौके भी पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि 3 किलोमीटर सड़क न होने की वजह से एक कसीर आबादी का रास्ता तहसील सदर मकाम से मुनकता है। कुतुबद्दीन, सबसे पहले मैं यहाँ के जमींदारान जिन्होंने आज इस रोड के लिए इतनी कुर्बानी दी है कि
मैं कहता हूँ पूरी काशीगढ़ की आवाम उनका शुक्रिया अदा करती है। हमारी एक 3-4 साल से एक देरेना डिमांड थी कि हम इस रोड को किसी भी तरीके से कथड़ी से नागनी के लिए इसको मिलाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हमारा डिग्री कॉलेज जो कि इस रोड के सेंटर में आता है, उस डिग्री कॉलेज के नाम पर आज इस रोड की शुरुआत हो चुकी है। मैं अपने इन जमींदार भाइयों का बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूँ जिन्होंने बहुत एक तारीखी कुर्बानी दी है इन्होंने। उसके बाद मैं डॉक्टर सागर डिप्टी कमिश्नर डोडा जिन्होंने कॉलेज के बारे में बहुत अच्छी फाइट की हुई थी, हमारा साथ दिया था। इसके अलावा आज के डिप्टी कमिश्नर डोडा, एडीसी साहब डोडा, हमारे प्रिंसिपल साहब, सबका प्रिंसिपल जो हमारे पुंछ के थे, उन्होंने भी काफ़ी इस रोड और इस कॉलेज के बारे में काफ़ी हमारा साथ दिया है। इसके अलावा मैं शुक्र अदा करता हूँ हमारे एसोसिएशन प्रेसिडेंट गुलाम हसन जी, सरपंच दंदल बी शफीक साहब, हमारे सरपंच अपर मंदार कुलदीप सिंह जी गागला से, शाइना मैडम जो कासीगढ़ ए से, शेर रुमाल सिंह जी हमारे कोटली सरपंच, इन्होंने इस रोड के लिए और इस कॉलेज के लिए हमारे साथ बहुत जहदोजहद की है और काफ़ी जहदोजहद के बाद हम इस मकसद में कामयाब हुए हैं। तो मैं सबका एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने इस रोड के लिए और कॉलेज के लिए हमारा साथ दिया, इंशाल्लाह ये आइंदा भी हमारे साथ। ये एक पूरे तहसील को जोड़ने वाली रोड है, थोड़ा सा 3 किलोमीटर का इसमें डिस्टेंस है जो कि ये जोड़ने का काम करेगी। इसमें तकरीबन 10-12 पंचायतें जो होंगी वो जुड़ेंगी और ये एक मरकज़ी, ये जो कॉलेज का एरिया है ये एक मरकज़ी हैसियत रखता है पूरे काशीगढ़ और तहसील ब्लॉक में। तो इंशाल्लाह मैं कहता हूँ कि 20,000 से ज़्यादा 30,000 तक लोगों को इस रोड का और कॉलेज का फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। वो तो शुरुआत दस्ती होगी, ये रोड जो ही कंप्लीट होगी उसके बाद कॉलेज का काम शुरू होगा। गुलाम हसन सरपंच धंधल, ये रोड कॉलेज के लिए जा रही है और मेरे ख्याल में 10-1100 मीटर लेंथ होगी इसकी। और इसके अलावा मैं सबसे पहले यहाँ की अवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ और इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसके अलावा हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब हैं, एडीसी साहब हैं, एसीआर साहब हैं, तहसीलदार कासीगढ़ डोडा हैं, इनके और प्रिंसिपल हमारे कासीगढ़ के हैं, इनका सबका हम शुक्रिया अदा करते हैं। इनके तावन के साथ, यहाँ की अवाम के तावन के साथ आज हमने ये जो देराना मांग थी और यहाँ के खास करके हमारे कासीगढ़ ब्लॉक का एक ख्वाब था वो आज हमारी नज़रों में पूरा हो रहा है और शुरुआत हुई है। इंशाल्लाह चंद ही अरसे के बाद ये पूरा ख्वाब यहाँ की अवाम का जो है ये पूरा होगा। शिबीक साहब हैं, काफ़ी जो सरपंच साहिबान और पंच साहिबान हैं, यहाँ जब ये तजाद पैदा हुआ आज कॉलेज कल रोड परसों कुछ भी हो, लेकिन कुछ सियासी चक्कर ऐसे आए जिसकी वजह से ये काफ़ी टाइम से यहाँ पर काम बंद रहा। जब यहाँ सबका डीसी साहब और हमारे रूरल डेवलपमेंट के आज जो डायरेक्टर चीफ साहब हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा नाम रुमाल सिंह, सरपंच पंचायत हल्का कोटली, तहसील ब्लॉक कास्तीगढ़। हम लोगों की यहाँ की बहुत एक देरीना मांग थी, 2015 में 14 में ये कॉलेज सेंक्शन हुआ था, उसके बाद नामालूम वजहात के बिना पर ये रुका हुआ पड़ा था। काफ़ी जद्दोजहद करने के बाद हमारे जो भी यहाँ के अवाम हैं जिन्होंने कुर्बानी दी है, जिन्होंने ये ज़मीन अलाट की है सड़क के लिए, मैं उनका तह दिल से मशकूर हूँ और उनको धन्यवाद देता हूँ। और साथ ही हमारे यहाँ के जो मौजूदा दौर के सरपंच कुतुबद्दीन जी हैं, इन्होंने बहुत ही रात दिन करके फाइट की है। हमारी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जो हैं गुलाम हसन जी, इन्होंने भी बहुत जद्दोजहद की है। बाकी हमारे सरपंच साहब आनंद ने हमारा साथ दिया और मैं खासकर एडमिनिस्ट्रेशन जो यहाँ की है आज की और सबका, उन सबका तहे दिल से मशकूर हूँ, क्योंकि वक्तन फ़र्तन हमने उन तक ये वारदातें पहुँचाई और उन्होंने हमारा साथ दिया। डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल साहब हैं, सबका तहसीलदार और मौजूदा तहसीलदार साहब, पटवारी साहब, डीसी साहब और एडीसी साहब जो डोडा के हैं, और प्रिंसिपल साहब जो पुराने थे और जो नए आज के हैं, इन सब लोगों ने जद्दोजहद की और इसके भागीदारी बने और आज ये हमें वो मौका मिला, वो दिन मिला कि हम खुशियों से इतने मतलब खुश हैं जिसकी हम कोई बयान नहीं कर सकते। और यहाँ के खासकर जो पीडीसी डिपार्टमेंट है मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, ठेकेदार का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने जय साहब का भी, जिन्होंने आज ये काम स्टार्ट किया। और हमें अब उम्मीद है
कि शायद कालेज का काम जल्दी रोड पहुंचते ही जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। मेरी सबसे अपील यही है कि जो ही ये रोड पहुंचेगी, इन लोगों के मुआवजे के कागज बनने चाहिए, पटवारी साहब को यहाँ आकर इनका DPR बनाकर डिपार्टमेंट को ऊपर देना चाहिए, ताकि हम भी कोशिश करें और गवर्नमेंट और डिपार्टमेंट साथ ही इन लोगों की हौसला अफजाई करने के लिए जो इनका मुआवजा बनता है, इन गरीब लोगों को मुआवजा दिया जाए, क्योंकि इनके पास कोई खास ज़मीन उतनी नहीं है, इतनी इतनी थी, दो दो मरले चार चार मरले इनके पास जो भी अपने मकानों के लिए रखी थी, औलाद के लिए रखी थी, वो इन्होंने सड़क के लिए, कॉलेज की सड़क के लिए सर्फ की है। लिहाजा मैं पुरजोर अपील करता हूँ डिपार्टमेंट से, जितने भी डिपार्टमेंट इसमें हैं वो इसमें अपना अपना किरदार अदा करें, रोल अदा करें, और ताकि ये सड़क भी जल्दी बने, इनका मुआवजा मिले और कॉलेज का काम। जिला डोडा के भदरवा में इतवार के रोज सड़क के एक हादसे में दो अफराद जान भाग जबकि एक शख्स जख्मी हुआ है। तफसीलात के मुताबिक सड़क का यह हादसा भदरवा चंबा सड़क पर खन्नी टाप के मकाम पर पेश आया, जब एक टाटा सुमो भदरवा चंबा सड़क से होकर सरतिंगल की ओर जा रहा था और खन्नी टाप के मकाम पर ड्राइवर के काबू से बाहर होकर 300 फीट गहरी खाई में जा गिरा, जिसके नतीजे में एक फॉरेस्ट गार्ड समेत दो अफराद मौके पर ही जान बाँक हो गए। हादसा में हलाक होने वालों की शनाख्त रवि कमार और एजाज अहमद साकना सरतिंगल के तौर हुई है, जबकि हादसा में भेजा का रिहायशी इरफान अहमद जख्मी हुआ। मकामी लोगों रजाकारों की मदद से जख्मी को नज़दीकी अस्पताल भदरवा मुंतकिल किया गया। प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्किल डेवलपमेंट डॉक्टर असगर हसैन सामून ने ITI डोडा का दौरा करके वहां इंतजामी ब्लॉक के जारी तामीरती काम की पेशरफ का जायजा लिया। उन्होंने मुतल्लिका मल दरामद एजेंसियों को हदायत दी कि वो काम की रफ्तार में सुरत लाएं, ताकि इदारे में दर्स व तदरीस का अमल जल्द शुरू किया जा सके। उन्होंने ITI डोडा में CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लैब का भी इफ्तिताह किया, जो कि पूरे ज़िले में अपने नौयत की पहली लैब है। उन्होंने इंस्टीट्यूट के मजमूई काम और बुनियादी ढांचे खासतौर पर वर्कशॉप को सराहा। उन्होंने ITI डोडा के हवाले से मौजूदा सेशन 2021-22 के दाखिले के अमल के बारे में भी दरियाफ्त किया। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट स्किल प्लान के मुताबिक नए क़लील मुद्दी नौकरी पर मबनी कोर्सेज मुतारफ़ करवाने की जरूरत पर भी जोर दिया और मकामी सनत की जरूरियात को भी मद्दे नज़र रखते हुए कहा कि बेरोज़गार नौजवानों को नौकरी का मौका मिल सके। डॉक्टर सामून ने हदायत की कि सनतों के साथ तरबियत हासिल करने वालों को इंटर्नशिप के हवाले से इख्तियार देखें, ताकि वो तजारत सीख सकें और बेक वक्त जगहों का तयन कर सकें। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि तरबियत याफ्ता होना काफ़ी नहीं है, अगर इसकी मार्केट की जरूरियात से कोई मुताबिकत नहीं है तो वक्त की जरूरत। तुलबा को इन तजारतों की तरबियत देना जो हमारे सनती घरों में ज़्यादा से ज़्यादा मुताबिकत और तलब रखते हैं। साहब के अंदर जो स्किल कमेटी है उसमें हमारे ITI के स्टूडेंट्स और पॉलिटेक्निक फैसिलिटी के मेम्बर उनमें या DNC वगैरह और IMCs भी यहाँ पे, जैसे कल भदरवा में हमने देखा यहाँ पे भी इंस्टीट्यूट जो है मैनेजमेंट कमेटी होती है, वो इंडस्ट्री सर डिजाइन करती है, उसके चेयरमैन होता है, तो वो ज़्यादा कोर्सेज ऑफर करते हैं लोकल नीड के हिसाब से। कॉलेज में काम अब जैसे ही शुरू होगा, इस साहब ने मुझे एश्योर किया है, उनको 8 करोड़ रुपये हमने दिए थे, जिनके DCC को किसी वजूहत की वजह से डिले हुआ था। मैंने भी कई मीटिंगें ली हैं, हमने कहा एक ब्लॉक हमने कंप्लीट करके दीजिए, ताकि हम बच्चों को वहाँ से रेंटेड अकोमोडेशन शिफ्ट कर सकें। वहाँ जो बिजली पानी का मसला है, सड़क का है, अप्रोच रोड का, वो DC साहब के साथ मैं अभी जा रहा हूँ मौके पर, वो उस पर एड्रेस करेंगे। लेकिन यहाँ जहाँ हम खड़े हैं ITI में, इसमें टूरिज्म से रिलेटेड कोर्सेज हैं और भी कई सारे अच्छे कोर्सेज यहाँ किए हैं, ग्राफ्ट प्रिंट का कोर्स है, और कौन कौन से कोर्सेज, जेनोग्राफी है, इलेक्ट्रिशन है, प्लम्बर है, हमारे ओपा है, स्विमिंग टेक्नोलॉजी है, ये बड़े अच्छे अच्छे इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT है, कंप्यूटर हार्डवेयर का, नेटवर्किंग का, जो हार्डवेयर कंप्यूटर है, तो ये सारे कोर्सेज हैं, ये ऑफर किए जा रहे हैं। जगह थोड़ी कम है यहाँ डोडा में, आपको पता है जगह मुश्किल से मिलती है। मैंने DC साहब को देखा, एक बिल्डिंग हमारी सिंगल स्टोरी है, यहाँ पर हमारे हाउसिंग की है, हमें कुछ लेब्स की अगर फिजिबिलिटी हो तो उसको हम मल्टी स्टोरी बना सकते हैं, नहीं हो तो फिर आल्टरनेट जगह में कहीं कहते हैं सेरिकल्चर या कहीं का है, तो वो DC साहब देखेंगे कोई पॉसिबिलिटी है चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम चाहते हैं कि इस साल अगर 500 बच्चे आए, 250 बच्चे ले रहे हैं, 250 नहीं सिलेक्ट हो पाए, अगर हम कैपेसिटी अपनी बढ़ाएं हम सारे बच्चों को अकोमोडेट कर सकें। ठीक है, सो हमारा एम्फेसिस ये है कि जब आप ITI से कोई कोर्स लेके एक साल का या 1.5 साल 2 साल का करते हैं, 6 मंथ्स कोर्स भी हमने इंट्रोड्यूस किया है, जैसे टूरिज्म का कोर्स किया है, तो उससे उसके बाद आपको सेल्फ अप्लाई होना चाहिए,
एटलीस्ट यू शुड अर्न 1000 रुपीज़ अटे, ज़्यादा स्किलिंग का फ़ायदा नहीं। और दूसरी बात जो है कि अगर आप एम्प्लॉयर ही बन जाए, खुद अपना काम शुरू करें, वो ज़्यादा अच्छा है। और आईटी के बच्चे प्रेफर करते हैं 90% अपना काम करते हैं, क्योंकि ये एक कारीगर बन जाते हैं अपने एरिया में, कुछ स्किल वगैरह सीख सकते हैं। नॉर्मल जो डिप्लोमा डिग्री करते हैं उसके बाद वो चीज़ें नहीं होती हैं। इसी तरह हमारा अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे, जैसे अब मेडिकल कॉलेज खुला है, हम सोचे हैं कि यहाँ पे MLT है, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के कोर्सेज इंट्रोड्यूस करेंगे पॉलिटेक्निक में, तो इससे बच्चों को रोज़गार भी मिलेगा, हमें ट्रेन मैन पावर भी मिलेगी। डिप्टी कमिश्नर रंबर मुसारतुल इस्लाम ने ईद उल मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने के इंतजामात को हतमी शक्ल देने के लिए जिला अफसरान और महजबी रहनुमाओं का इजलास तलब किया। मीटिंग में SCR तहसीलदार रमन व दीगर मुतल्लिका अफसरान के अलावा मुख्तलिफ मसाजिद के इमाम इकराम के अलावा मुस्लिम कम्युनिटी के नुमाइंदों ने इजलास में शिरकत की, जबकि बानियाल, रामसूर, गोल, SDMs, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, PDCL और तहसीलदारों ने वर्चुअल मोड के जरिए इजलास में शिरकत की। DC ने SDMs और तहसीलदारों को हदायत दी कि वो कोविड प्रोटोकॉल पर अमल करते हुए ईद मनाने के हवाले से अपने अपने दायरे इख्तियार में तमाम मुनासिब इंतजाम को यकीनी बनाए। इंतजाम पर तबादला ख्याल करते हुए डिप्टी कमिश्नर ने मजहबी रहनुमाओं पर जोर दिया कि वह अपने अपने इलाकों में ईद के इजतमात में शरीक अकीदतमंदों के जरिए कोविड SOPs की तकमील को यकीनी बनाए। उन्होंने से कहा कि जिस्मानी फैसला बरकरार रखने के अलावा चेहरे पर मास्क जरूर पहने। निसी ने कहा कि कोविड अभी ख़त्म नहीं हुआ है, लिहाजा लोगों को कोविड के मुनासिब रवैये पर अमल करने की ज़रूरत है। उन्होंने PDD और जल शक्ति डिपार्टमेंट के अहदेदारों को बाला तातुल बिजली और पानी की फ्राहमी को यकीनी बनाने की हदायत दी। सेहत की सहूलियत की फ्राहमी के लिए महकमा सेहत को भी ऐसी हदायत जारी की गई। ज़िला इंतजामिया रामबन के साथ आज हमारी ईद उल मिलाद उल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में जो अभी मीटिंग हुई, तो वहाँ से हमें साल गुज़श्ता की तरह ही COVID-19 की वजह से किसी जुलूस वगैरह के निकालने की इजाज़त नहीं मिली है। लिहाजा मसाजिद के अंदर होने वाली जितनी भी तकरीबात हमारी ज़िला की तमाम तर मसाजिद में जहाँ कहीं भी हों, वहाँ पर मेरी आप सब लोगों से ये गुजारिश दर्जा है कि COVID-19 के सिलसिले में उन तमाम तर एहतियात को जिनका आपको इससे पहले भी और आज भी उनकी इल्मित है, उस पर सख्ती से अमल किया जाए। ख़ासकर मसाजिद के अंदर आने वाले हमारे जो जितने भी लोग बाहर से आए, नज़दीक से आए, दूर से आए, इस बात को यकीनी बनाएं कि वो मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, मसाजिद में भी हम थोड़ी दूरी बना कर रखें। इस तीसरी लहर के साथ हमें अभी तक का हमारा जो हमारे डिस्ट्रिक्ट का जो रिकॉर्ड है वो दूसरे डिस्ट्रिक्टों से इसलिए मुख्तलिफ है कि यहाँ पर बड़ी मेहनत की गई है। इसके लिए ज़िला इंतज़ामिया व हमारे तमाम जिम्मेदार महकमा सेहत व आप जैसे तमाम दीगर जिम्मेदार लोगों ने मिलकर एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी बनाई है, जिसके लिए हम आप सब के शुक्रगुजार भी हैं और उम्मीद करते हैं कि ज़िला में जहाँ जहाँ भी तकरीबात का अहतमाम किया जाए, वहाँ पर तादाद और इन एहतियात को बरोएकार लाकर यकीनी बनाएं कि हम COVID-19 के सिलसिले में अपने आप को महफूज रखें। इन तकरीबात का जिस तरह मनाना बहुत ज़रूरी है, उसी तरह इन SOP पर अमल करना भी उससे ज़्यादा ज़रूरी है। मेरी आप सब लोगों से ये गुजारिश इल्तिजा है, जितने भी जिम्मेदार हजरात हैं, वो मसाजिद के हैं, मदारिस के हैं, उनके कमेटियों के हैं, उन सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी इस तरह से निभा कर इस प्रोग्राम को, ईद उल मिलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस तकरीबात को कामयाब बनाकर अपने आप को जिम्मेदारी का सबूत। तो नाजरीन, इसी के साथ आज की खबरों का शुमारा पहुंचता है अपने इख्तिताम को। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़। आदाब।